एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी एन स्टडी व्लॉग एंड दिस इज गोना बी फर्स्ट स्टडी व्लॉग ऑफ 11th ग्रेड। देखो, मैं पहली बात तो व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हाँ मैं इस वजह से नहीं पोस्ट कर पाई थी क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू टेक एडमिशन इन अ डिफरेंट स्कूल जो बहुत अच्छा है, लाइक लखनऊ का बहुत ज़्यादा बेस्ट स्कूल है। वहाँ पर इतने कट ऑफ होते हैं, बहुत लकी स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका एडमिशन होता है। मेरा ये था कि अगर जैसे एंट्रेंस से निकला तो मेरे सोर्सेज हैं, हो जाएगा, बट बाद मेरा डिसीजन चेंज हो गया। पहली बात तो 22 स्टूडेंट्स में सिर्फ दो बच्चों का नाम आया था और उसमें भी एक कॉमर्स की थी एंड एक मैथ्स की थी। नाउ यू कैन थिंक इतना ज़्यादा कट ऑफ होता होगा, तो यस। एंड हाँ, मेरा तो ये था कि हो ही जाना है, बट यस नहीं कराया क्योंकि मेरे प्लान्स दूसरे चेंज हो गए थे बाद में, इसलिए। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं अब ऑफलाइन सेंटर जाती हूँ विद्यापीठ के, लाइक आई मीन फिजिक्स वाला के विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर जाती हूँ। एंड हाँ, और मेरा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि मैं डमी करा रही हूँ या मैं रेगुलर रख रही हूँ, क्योंकि देखो 80% इज़ दैट कि मेरा डमी रहेगा एंड लेफ्ट ओवर 20% इज़ दैट कि मेरा रेगुलर रहेगा। तो यस, कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट हाँ अभी ये चल रहा है मेरा कि ऐसे मेरा ये है कि देखो रिजल्ट जब आएगा देन आई विल गो फॉर डमी और फॉर रेगुलर स्कूलिंग। लेट्स सी गाइज। सो हाँ, अभी तो फिलहाल मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जहाँ लेटली पहले मैं जहाँ जाती थी वहाँ से मैंने अभी अपना कि नाम मेरा जो एडमिशन है वो नहीं हटाया। एंड लेट्स सी रिजल्ट के बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तो विद्यापीठ में हो गया है तो हाँ, और एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है विद्यापीठ का जहाँ मैं जाती हूँ, दैट इज़ कि वहाँ पर सुबह की क्लासेस होती हैं, नहीं होती हैं, वहाँ पर सुबह की क्लासेस होती नहीं हैं फॉर नीट 11th एंड JEE, एंड 12th वालों की भी नहीं होती है, सिर्फ ड्रॉपर वालों की सुबह होती है। तो बहुत ज़्यादा इट्स वेरी वेरी क्योटिक, बट इट्स ओके, आई ट्राई टू मैनेज। एंड हाँ, तो यस लेट्स सी, अभी ट्राई यही हो रहा है कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग फॉर दी मॉर्निंग बैच, सो लेट्स सी शायद हो जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो हाँ, अब इन सब टॉपिक को साइड रखते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रीम। तो मैंने लिया है PCB एंड आई एम गोना बी अपीयरिंग द नीट एग्ज़ाम इन 2026, यस। एंड हाँ, और यहाँ पर आई एम जस्ट क्लियरिंग माई बैकलॉग्स, इतने ज़्यादा बैकलॉग्स हैं। अभी 12th को मेरा टेस्ट है, लाइक जैसे प्री बोर्ड होते ना वैसे यहाँ पे प्री नीट टाइप रहेंगे, 720 मार्क्स का रहेगा, जितना पढ़ाया गया वो सारे टॉपिक आएंगे, 350 मार्क्स का जूलॉजी बॉटनी एंड 180 मार्क्स का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हाँ, एक प्रॉपर एम्बियंस रहेगा, मतलब पूरा प्रिपेयर करा देंगे एकदम नीट के लिए, फोड़वा कर ही मानेंगे मुझे लगता है अब तो। बट हाँ, अभी तो मेरे कुछ ही दिन हुए मुझे ज्वाइन हुए, मेरा टेस्ट भी है यार, आई एम वेरी अफ्रेड, बट हाँ लेट्स सी व्हाट आई विल डू। एंड यहाँ पर मैं ले रही थी बॉटनी का लेक्चर और सुबह के हो रहे थे 7:30, देन आई डिड सम स्किन केयर, ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं बैठ गई लेकर फिजिक्स, ओके द ओजी फिजिक्स, द फिजिक्स, भाई साहब इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा फिजिक्स को लेकर। देखो, मैंने मैथ्स छोड़ा है और मेरे पास फिजिक्स आ गई है, मुझे पता था कि फिजिक्स में मैथ्स होती है, बट इतनी होती है मैंने नहीं सोचा, भाई पूरी मैथ्स है जो हम 10th पढ़ कर आए, पूरा एक चैप्टर है बेसिक मैथ्स, वो सारा उसमें भरा हुआ है, मेरा दिमाग लिटरली हिल चुका है फिजिक्स को लेकर। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि फिजिक्स में इतने डाउट्स हो रहे हैं और कुछ समझ में आ रहा है क्या करूं। तो यहाँ पे अभी तो मैं लॉग वाला जो टॉपिक है वो कर रही थी, देखो सर जो बोर्ड पे क्वेश्चन दे रहे थे वो मेरा हो जा रहा था, बट जो DPP से सॉल्व करना था और जो मॉडल सॉल्व करना था, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं और इतना दिमाग ख़राब हुआ, मेरा सर पकड़ा लिटरली बैठी हुई थी, फिर मैंने बंद कर दिया एंड फिर ये टाइम लैप्स देख रहा, फिर मैंने 5 मिनट के बाद फिर अपने आप को काम डाउन करा एंड देन मैंने अगेन स्टार्ट करा, तो हाँ फिर मुझे समझ आ रहा था। तो यस,
आप भी कुछ टिप्स अगर जानते हो फिजिक्स को लेके तो मुझे सजेस्ट कर दो। और हाँ, उसके बाद फिर मैंने दो लेक्चर लिए सुबह के, लाइक हाँ दो लेक्चर वेक्चर लिए। उसके बाद फिर मुझे नहाना था, मैंने नहाया एंड मैंने सुबह नहा लिया लिटरली, मतलब 12 बजा था, 12 बजे मेरी मॉर्निंग होती है यूजुअली, बट हाँ मैंने नहावा लिया एंड अराउंड 3:30 मैं निकल गई फॉर कोचिंग। एंड यहाँ पे मैं जा रही हूँ मज़े करते हुए। और हाँ, मैं कोचिंग गई, वहाँ आज बॉटनी और फिजिक्स की क्लास थी, तो ये सब मैं आ रही हूँ। और वहाँ पर देखो कोचिंग में लाइक फिजिक्स तो उतनी नहीं समझ आई, बट हाँ बॉटनी एकदम अच्छे से आती, बायो इज़ लाइफ, बायो अच्छे से आ जाती है। एंड फिर मैं वापस आ गई, तो आई हैव टू एंड दिस वीडियो हियर। एंड यहाँ पर मैं फ्लेक्स मार रही हूँ अपनी PW की टी शर्ट, बिकॉज यार PW है। तो हाँ, बाय गाइज, मीट यू ऑल सून, एंड अब रेगुलरली पोस्ट करूँगी। ओके, बाय बाय, प्लीज़ इग्नोर द डर्टी मिरर।